तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं खलिया द्वार और यहां से है 8 किलोमीटर का ट्रैक भाई साहब, पैदल ट्रैक होने वाला है। और सामने देखो क्या ही मस्त हिमालय का व्यू आ रहा है सामने। तो भाई साहब इधर सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और आप देखो यहीं से भाई बादल नीचे दिखने लग गए हैं अभी से। और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिज मोहन भट्ट और देवभूमि उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी मैं हूँ मुंशियारी में, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला आज के ब्लॉग में क्योंकि आज का ट्रैक होने वाला है हमारा खलिया टॉप का, जो कि पिथौरागढ़ की मोस्ट ऑफ दी वन मतलब बहुत ज़्यादा फेमस जगह है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी सीन्स दिखेंगे वहाँ से। अभी काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी हो रहा है मुंशियारी में और अभी अभी सुबह के टाइम हम चढ़ाई भी थोड़ा ज़्यादा कर पाएंगे। निकलते हैं फटाफट दोस्तों इधर से। दोस्तों कुछ इस तरह से सारी गाड़ियाँ यहाँ पर लगा रखी हैं हम लोग ने और देख ही सकते हैं सुबह का टाइम है भाई, सनराइज़ होने वाला है और अभी हो जाएगा शायद आधा घंटे में। गाड़ियाँ निकालते हैं फटाफट इधर से दोस्तों और निकलते हैं मुंशियारी की तरफ को। ओह तो दोस्तों इधर से हमको जाना पड़ेगा खलिया द्वार और वहीं से हम खलिया टॉप के लिए ट्रैकिंग शुरू करेंगे। अभी मुंशियारी में है तो यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर आगे है, तो फटाफट से निकलते हैं दोस्तों। तो भाई साहब यहाँ पे सारी गाड़ियाँ गर्म की जा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंडा हुआ था तो गाड़ियों की सीट में ना हमारी बर्फ़ जैसी कमजोरी है ना, बर्फ़ कम रही थी थोड़ा सा, गाड़ी वाड़ियाँ गर्म हो रही हैं और निकलते हैं दस ऐसा है भाई सुबह का मुंशियारी का गुड मॉर्निंग का व्यू। और ये दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और खलिया द्वार पहुंच चुका हूं मैं और सामने देखो गाइस क्या ही प्यारा व्यू आ रहा है। और एक कमाल की चीज़ दिखाता हूं आपको, इधर रोड में कीचड़ हुआ है उसके ऊपर बर्फ़ जम गई है ठंड की वजह से, ये देखो कुछ इस तरह से बर्फ़ जमी है इधर। और ये देखो भाई साहब, अब यहाँ से 8 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा 8 किलोमीटर भाई, देखते हैं काफ़ी मज़ा आने वाला है ऊपर जाके तो और ही ज़्यादा प्यारे व्यू मिलेंगे। तो आप लोग बने रहेगा इस वीडियो में, काफ़ी मज़ा आने वाला है आज। तो भाई साहब आधे रास्ते में पहुँचे हैं, 3 किलोमीटर लगभग ट्रैक कर लिया है और कुछ इस तरह से जंगल है इधर का और काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं इधर, लेकिन सच बताऊँ बहुत मुश्किल है यार, बहुत ज़्यादा मुश्किल। जो लोग शहरों में रहते हैं ना और वो लोग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, हम तो चलो थोड़ा बहुत पहाड़ी बंदे हुए हम लोग झेल लेते हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं हम लोग। और कुछ इस तरह से रास्ता है दोस्तों, पूरा जंगल वंगल और हल्की फुल्की बर्फ़ दिख रही है, अभी बर्फ़ भी दिखाता हूँ आप, बर्फ़ का एरिया भी शुरू हो चुका है अभी जो भूल। तो दोस्तों थोड़ा सा स्टे लिया है, 4 किलोमीटर हम चढ़ाई चढ़ चुके हैं और भाई साहब सब लोग थक चुके हैं, जितने भी हैं ना सारे लोग थक चुके हैं। और तो दोस्तों लगभग 5 से 6 किलोमीटर हम चल चुके हैं और रास्ते में ना भाई अगर आप लोग इधर आते हैं खलिया टॉप तो अपना पानी वानी अपने साथ लाएं, क्योंकि यार 5 से 6 किलोमीटर हम चल गए, हमको एक दुकान नहीं मिली है ना एक मैगी पॉइंट, मैंने तो सोचा था मैगी पॉइंट होगा रास्ते में लेकिन मैगी पॉइंट भी नहीं है, अभी कैंपिंग साइट है करके सुनने में आ रहा है, तो देखते हैं कितने दूर है कैंपिंग साइट। और यहाँ से एक नंबर व्यू आ रहा है गाइस, देख सकते हैं आप भाई इतने करीब ना हिमालय को मैंने आज तक नहीं देखा है इतने करीब अपने, मतलब मेरे घर से दिखता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा पास है दोस्तों। और एकदम खड़ी चढ़ाई है, जितना आप सोचोगे उससे मतलब एक कदम आगे और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको इधर आने के लिए। तो फटाफट से चलते हैं यार, 7 वाले सब ऊपर पहुँच चुके हैं, मैं और सचिन बस पीछे रह गए हैं, तो लेट्स गो गाइस चलते हैं इधर से आराम से ऊपर से, आपको व्यू दिखाता हूँ बढ़िया वाला। तो भाई साहब हम काफ़ी ऊपर पहुँच चुके हैं और रास्ता ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है और हल्की फुल्की बर्फ़ दिखने लग गई इधर। और देखो अल्टीमेट व्यू भाई, क्या ही मस्त व्यू आ रहा है इधर ही, ऐसा मन कर रहा है ना कि मतलब इधर से कहीं जाऊँ नहीं, इधर ही रह जाऊँ आज, लेकिन पहले खलिया टॉप पहुँचते हैं, खलिया टॉप पहुँच के और अल्टीमेट व्यू मिलने वाला है हमको, तो चलते हैं फटाफट दोस्तों। मेरे 7 वाले काफ़ी दूर पहुँच गए यार, मैं पीछे पीछे रह गया हूँ,
तो लेट्स गो गाइस। और बर्फ़ देखो यार, हल्की फुल्की मिल रही है अभी से, ऊपर जाके ज़्यादा बर्फ़ मिलने वाली है हमको शायद। तो भाई साहब बीच में हम पहुंच चुके हैं कैंपिंग साइड में, और यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्टीमेट व्यू आ रहा है इधर का भाई, एक नंबर। और बर्फ़ भी पड़ी है इधर, दबा के बर्फबारी हुई है शायद हाल में। हम थोड़ा सा लेट हो गए मेरे हिसाब से, और व्यू तो आप देख ही सकते हैं गाइस। और बहुत ही मतलब मुश्किल है यार, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिनको आदत नहीं है ना चलने की, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मेरे लिए भी बहुत बहुत दिक्कत हो गई थी यार कसम से। अभी लगभग 4 किलोमीटर और आगे जाना है हमको। तो भाई साहब अभी हम हैं कैंपिंग साइड में, यहाँ पे काफ़ी सारे कैंप लगे हुए हैं, यहाँ पे लोग कैंपिंग करते हैं बढ़िया करके अपना। और मैगी वैगी का थोड़ा बहुत सीन भी है यहाँ पे, लेकिन काफ़ी महंगा है यार, 170 रुपये के एक प्लेट, मतलब जिसमें कि 4 पूरी और थोड़ी सी सब्जी और थोड़ा सा अचार, 170 रुपये, बहुत ज़्यादा महंगा कर रहे हैं एक। तो भाई साहब अभी चलते चलते अब रास्ता ही बर्फ़ वाला आ गया, देखो ना ये बर्फ़ बहुत ही ठोस है यार, ये देखो बहुत ही ज़्यादा, मतलब अभी रास्ता ही पूरा बर्फ़ वाला बर्फीला रास्ता हो चुका है ये, और लगे पड़े हैं भाई साहब। अभी लगभग 3 किलोमीटर और चलना है हमको, और अच्छा तो लगता है यार बर्फ़ में आके कभी कभार। तो भाई साहब मैगी पॉइंट से जस्ट 1 किलोमीटर ऊपर आए, और बर्फ़ देखो ना कितनी भुरभुरी, कितनी प्यारी लग रही है, मस्त एकदम। अबे अरे रोड दिख रहा है, एक बार कल काली मंदिर चलो। तो दोस्तों कुछ इस तरह से एक मंदिर आ रखा है बंद, तो भाई साहब हम और ज्यादा ऊपर आ, काफी ऊपर पहुंच चुके हैं, देखो बर्फ ही बर्फ चारों तरफ भाई चारों। तो भाई साहब कुछ इस तरह से देखो, इतने पैर धंस रहे हैं बर्फ में, ओ भाई कमल सिंह फुल ऑन मजे में। जो गाइस आप मेरे घर के उधर से व्लॉग देखते हैं, जो मेरा डेली में वाला हिमालय दिखाते रहता हूँ, वही वाला पहाड़ है जो मेरे घर से दिखते हैं, और इस पहाड़ के हिसाब से हमारा घर होना चाहिए इस साइड को। भाई साहब देखो कुछ इस तरह से होती है भाई हिमालय की बनावटें भी, ये हुआ उच्च हिमालय। तो भाई साहब एक चढ़ाई ख़त्म नहीं हो रही है, दूसरी चढ़ाई शुरू हो जा रही है, अभी बोल रहे हैं ये लास्ट और सबसे ख़तरनाक और बहुत दुर्गम चढ़ाई है। थोड़ा बहुत बर्फ़ भी पड़ी है, उस साइड से रास्ता था एक्चुअली दूसरी तरफ से, वहाँ से बर्फ़ पड़ी थी पूरा। अरे हम पहुँच चुके हैं खलिया टॉप, और भाई साहब नीचे का व्यू देखो, पीछे साइड का अल्टीमेट, बादलों के कितने ऊपर आए हैं हम इधर, और सामने देखो भाई साहब चारों तरफ यहाँ से, मतलब 0 पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि चारों तरफ दिखाई देते हैं पहाड़, और देख सकते हैं बर्फ क्या मस्त लग रही है। अभी बर्फ में थोड़ा आपको दिखाता हूँ क्लोथ से, और दूर दूर तक यहाँ कोई घर ही नहीं है यार, निर्जन जगह है। मतलब 8 किलोमीटर लगभग हम लोग ट्रैक करके आए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं अभी, इधर पैरों में बहुत दर्द हो गई गाइस यार। तो भाई साहब इधर सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेने में बहुत दिक्कतें हो रही है, तो आधा घंटा रुके यहाँ, फटाफट इधर से निकलते हैं दोस्तों, क्योंकि पानी भी ख़त्म हो गया है और सांस भी अच्छे से नहीं लिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं ये। और चारों तरफ देख सकते हैं आप, इधर तो भाई साहब पूछे मत, बादल नीचे हैं हम ऊपर हैं, और फटाफट से निकलते हैं खलिया टॉप से, शायद ही अब इधर आना होगा कभी, तो लेट्स गो गाइस। तो भाई साहब ट्रैक की वापसी करने लग गए हैं अभी अब, और देखो यार क्या मस्त नज़ारा आ रहा है अभी बर्फ़ का, एकदम वाइट वाइट भयंकर। तो भाई साहब रास्ता देखिए यार, क्या ही मस्त लग रहा है, दोनों तरफ बर्फ़ पड़ रखी है, और धूप भी एक नंबर वाली आ रखी है आज।